बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, होप यू ऑल विल बी फाइन। लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था आयनाइजेशन एनर्जी के बारे में। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, क्या होती है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ठीक है, मूविंग टूवर्ड्स आवर टुडेज टॉपिक। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, याद रखिएगा, आयनाइजेशन एनर्जी का रिवर्स प्रोसेस है। आपको याद होगा हमने कहा था आयनाइजेशन एनर्जी इज़ द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन। आयनाइजेशन एनर्जी वो अमाउंट ऑफ एनर्जी थी जो कि हमें किसी एटम के इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जो एनर्जी देनी पड़ती थी उसे हम क्या कह रहे थे, आयनाइजेशन एनर्जी कह रहे थे। जबकि याद रखिएगा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वो अमाउंट ऑफ एनर्जी है जो कि रिलीज हो रही है किसी भी इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एटम में से जब हम उसके अंदर इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल किसी भी एटम में जब इलेक्ट्रॉन ऐड होता है तो एडिशन के रिजल्ट में जो एनर्जी वो रिलीज़ करता है उसे हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहते हैं। ठीक हो गया। अब यहाँ पर आपको इक्वेशन नज़र आ रही है, इक्वेशन में शो किया गया है कि एक्स एक एलिमेंट है गैसीय स्टेट में, जब हम उसमें इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो वो कन्वर्ट हो जाएगा एक्स नेगेटिव में। ठीक है, अब एक्स नेगेटिव में जब कन्वर्ट होगा तो याद रखिएगा वो एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज करेगा जिसे हम किससे शो करेंगे, डेल ई से शो करेंगे। ठीक हो गया। डेल ई क्या होती है, इलेक्ट्रॉन अटैचमेंट एनर्जी। इलेक्ट्रॉन अटैचमेंट एनर्जी का मतलब ये हुआ कि कोई भी इलेक्ट्रॉन जब ऐड हो रहा है या अटैच हो रहा है किसी एटम के साथ तो उसके ऐड होने के वक्त पे स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज हो रही है उसे हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहते हैं। यहाँ पे भी आयनाइजेशन एनर्जी की तरह सेकेंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ही होगी। ठीक है, सेकेंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मतलब ये हुआ कि वो स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ एनर्जी जो कि हमें किसी भी एटम के अंदर सेकेंड इलेक्ट्रॉन ऐड करने के रिजल्ट में रिलीज होती है। ठीक हो गया, यानी कि जब किसी भी एटम के अंदर सेकेंड इलेक्ट्रॉन ऐड होगा तो जो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होगी वो सेकेंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होगी। समझ गए मेरी बात को। ठीक हो गया, ये एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। एक्सोथर्मिक प्रोसेस क्या होता है, जिसमें एनर्जी रिलीज होती है। लेकिन याद रखिएगा जो कि जब सेकेंड इलेक्ट्रॉन ऐड होगा किसी भी यूनि नेगेटिव आइन में तो वो कौन सा प्रोसेस होगा, एंडोथर्मिक प्रोसेस होगा। ठीक है, वो एनर्जी गेन भी कर सकता है। समझ गए इस बात को। अब फैक्टर्स की बात करते हैं, फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। सबसे पहले आ जाता है मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर, न्यूक्लियर चार्ज। न्यूक्लियर चार्ज का मतलब क्या हुआ था, जैसे मैंने आपको अपनी लास्ट वीडियो में डिटेल में बताया था, न्यूक्लियर चार्ज ये होता है कि जब किसी भी एटम के नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा होते हैं तो ऑब्वियसली नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी ज़्यादा होते हैं, और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ज़्यादा होने की वजह से न्यूक्लियस के ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज है वो क्या हो जाते हैं, ज़्यादा हो जाते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा जितना न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होगा उतना ही एटम जो है वो स्ट्रॉन्गली अट्रैक्ट करेगा आने वाले इलेक्ट्रॉन को। अब आप खुद सोचें, एक एलिमेंट है जिसके पास टोटल 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इट्स मीन 3 प्रोटॉन्स हैं, वो आने वाले इलेक्ट्रॉन्स को स्ट्रॉन्गली अट्रैक्ट करेगा, या जिसके पास 17 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 17 प्रोटॉन्स हैं, वो आने वाले इलेक्ट्रॉन को स्ट्रॉन्गली अट्रैक्ट करेगा। तो इट्स मीन कि जिसका न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा है वो आने वाले इलेक्ट्रॉन को स्ट्रॉन्गली अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ। ठीक है, और जितनी अट्रैक्शन ज़्यादा होगी उतनी ही इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगी, इंक्रीज़ होगी। ठीक हो गया। एटॉमिक साइज़ की बात करते हैं, जितना स्मॉल साइज़ होगा, जैसे आपको मैंने उस दिन बताया था लेफ़्ट टू राइट अगर हम जाएँ पीरियड वाइज जाएँ पीरियडिक टेबल में, तो साइज़ स्मॉल होता है और अट्रैक्शन पावर क्या हो जाती है, स्ट्रॉन्ग हो जाती है। तो अगर हम एटॉमिक साइज़ की बात करें तो जितना साइज़ स्मॉल होगा डिस्टेंस कम होते जाएंगे शेल के दरमियान में, अट्रैक्शन ज़्यादा हो जाएगी और एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियस भी स्ट्रॉन्गली अट्रैक्ट करेगा। ठीक हो गया, इसीलिए हम कहते हैं कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो ज़्यादा होगी अगर साइज़ जो है वो क्या होगा, छोटा होगा। ठीक हो गया। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करते हैं, एटम हैविंग स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। सिंपल सी बात है, एक एटम है जो कि ऑक्टेट रूल को फॉलो कर रहा है, डुप्लेट रूल को फॉलो कर रहा है। आपको पता है ऑक्टेट रूल क्या होते हैं, डुप्लेट रूल क्या होते हैं, मैं रिवाइज़ करती चलूँ। वो एटम जिनके आउटर मोस्ट शेल 2 इलेक्ट्रॉन से कम्प्लीट है उन्हें डुप्लेट रूल के अकॉर्डिंग कहते हैं कि उनका आउटर मोस्ट शेल कम्प्लीट है, और वो एटम जिनके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं
तो ऑक्टेट ट्रूली ये कहता है कि उनके आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट है, स्टेबल है, ठीक है, उन्हें इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत नहीं होती। तो अब कॉमन सी बात है कि अगर किसी एटम का आउटर मोस्ट शेल अकॉर्डिंग टू डुप्लेट और ऑक्टेट कंप्लीट है तो फिर उससे इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत नहीं है, उसकी कोई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी नहीं होगी। सिंपल सी बात है, वो इलेक्ट्रॉन गेन ही नहीं कर रहा तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहाँ से आएगी, ठीक हो गया। जबकि इसके बरक्स किसी भी एटम के आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, उन्हें 1 ये 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए अपना आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट करने के लिए, तो उनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी क्या होगी, उस हिसाब से ज़्यादा होगी। समझ गए मेरी बात को। अब पीरियड वाइज बात करते हैं, तो मैंने आपको सिंपली बता दिया लेफ़्ट टू राइट क्या होते हैं। आपको पता है लेफ़्ट टू राइट साइज़ डिक्रीज़ होता है, साइज़ डिक्रीज़ इसलिए होता है क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होता है, तो लेफ़्ट टू राइट क्या होगा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वैल्यू भी ज़्यादा होगी। समझ गए मेरी बात को। जबकि टॉप टू बॉटम नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज़ करेंगे, शेल्स इंक्रीज़ करेंगे, शील्डिंग इफेक्ट भी ज़्यादा होगा, और शील्डिंग इफेक्ट की वजह से जो न्यूक्लियस है वो आउटर इलेक्ट्रॉन को स्ट्रॉन्गली अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा, इसी वजह से इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वैल्यू भी डाउन द ग्रुप क्या होती है, डिक्रीज़ होती है, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी यूजली एक्सोथर्मिक होती है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की अगर हम बात करें तो इसमें क्या होता है, सिंपली हीट जो है वो या एनर्जी जो है वो रिलीज़ होती है, ठीक हो गया। होपफुली आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।